तो लास्ट ईयर यार मैं बहुत बड़े क्राइसिस में फंस गई थी। मेरी फैमिली ने करी थी एक फैमिली ट्रिप प्लान, सब चीज बहुत बढ़िया था। दिक्कत एक थी, मुझे चाहिए थी समर आउटफिट और दिल्ली में चल रही थी सर्दियाँ। तो मैंने बहुत सारे आउटलेट्स और बहुत सारे मॉल्स में चेक करा और मुझे कहीं पर भी यार कोई भी समर कलेक्शन मिला नहीं। तो मैंने बस एक रिस्क लिया कि यार ट्राई कर लेते लोकल मार्केट में अगर कुछ मिले, एंड दीज मार्केट्स वेर सेवियर फॉर मी। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट 5 मार्केट्स इन दिल्ली यू नीड टू शॉप इन। So right now I'm at Greater Clash Market Part 1 and this market is known for its outlets. And यहाँ पर ना outlets से ज़्यादा interesting आपको दिखेंगे यहाँ पे जो stalls हैं इन गलियों में। So you'll get footwear, you'll get makeup का सामान और अगर आपको कुछ handbags चाहिए तो वो भी सारा यहाँ पर मिल जाएगा। So now let's head in to the market. मेरे को ना एक शॉप मिली, इस शॉप का नाम है M2 एंड यहाँ पर ना बिल्कुल डिफरेंट मेरे को वैरायटी दिखी। तो भैया एक बार ये बताओगे ये पैटर्न क्या है? ये सारे ये न्यू कॉर्सेट्स हैं, सारे प्रिंटेड, ये न्यू कॉर्सेट चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, पहने बहुत प्रिटी हैं, इनकी फिटिंग बहुत अच्छी है, फैब्रिक अच्छा है और सब न्यू डिजाइन है। इस टाइप के तो ज़ारा में भी चल रहे हैं, सब लेटेस्ट कलेक्शन का स्टॉक है। अब बड़े ब्रांड में किसी में भी देखेंगे इसी टाइप के सब कलेक्शन हैं, ये सब अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, सब लड़के ये लाइक कर रहे हैं। तो भैया बता रहे हैं आपको ये ज़ारा में भी ये कलेक्शन मिल जाएगा एंड सेम इनके पास भी ये सारा कलेक्शन है यहाँ पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे ना काफी सारी मेकअप की शॉप्स हैं, तो मेरे को एक कॉर्नर मिला मेकअप का। तो भैया से पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या है, तो भैया बताओ आपके पास क्या सारा चीज है मेकअप का? दिस ऑल ब्रांड्स हैं, एनवाइक्स का होगा, लो रेसिपी ऑफ ब्रांड्स, ऑल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, सारे इंटरनेशनल और ये सारे ओरिजिनल हैं। 100% ऑन द ऑल यू कौन सा चेक इन स्टोर द सेम। आप चेक कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और भैया आपकी शॉप कहां पर है? GK1 M Block Market, M2 Shop में। अच्छा, बात करिए अगर मेकअप की तो अभी कुछ ऐसा कुछ लेटेस्ट ट्रेंड जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है तो वो चीज आप मुझे बताओ। ये वाला बेस्ट सेलर है, तो ये ग्लो रेसिपी है, तो ये बेसिकली है क्या? सुपर ग्लो, दिस ऑल स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो ये स्किन केयर है, क्या ये मुझे पता तो नहीं है, मेकअप का इतना बढ़िया, मुझे बहुत सुंदर लग रही है, नियॉन कलर की है। एंड इससे क्या होता है, मतलब ये स्टिक से ग्लो आ जाता है, तो ये हाइलाइटर काइंड ऑफ होता है? हाइलाइटिंग ग्लो, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है मुझे भी हाइलाइटिंग वगैरह। ओके, तो थोड़ा इजी और कन्वीनियंट होता होगा। अच्छा, इसमें और भैया बता रहे कि ना इसमें ग्लो तो मिलेगा आपको और इसमें SPF भी है, तो आपको सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। सेम इसका एक छोटा सा और पैकेट है। और अगर आप मेरी तरह आपको न्यू शेड्स पसंद है तो आपको ये NYX का न्यू शेड भी मिल जाएगा। अभी तक मैंने जो इतना मार्केट एक्सप्लोर करा है ना, तो मैंने देखा है काफ्तान बहुत ज़्यादा, तो काफ्तान टॉप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर काफ्तान ड्रेसेस देखना चाहते हो लाइक कॉटन या किसी में भी स्टफ में, तो काफ्तान इज लाइक राइट नाउ ट्रेंडिंग हियर। तो यार मैं ज़्यादा कलेक्शंस तो आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि सब यहाँ ना फोटो वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे। तो एक तो शॉप मैंने आपको दिखाई है एंड अब मैं जाऊँगी नेक्स्ट लोकेशन में, बट उससे पहले मुझे लगी बहुत ज़ोरों से भूख। तो अब हर जगह तो हेल्दी कुछ मिल नहीं सकता, तो मैंने इन भैया का स्टॉल देखा, तो भैया मुझे दे रहे हैं स्वीट पोटैटो। लोकेशन वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टुडे इज दिल्लीज मोस्ट फेवरेट एंड पॉपुलर मार्केट, सरोजनी मार्केट, known for its cheapest and latest trend. अभी मैं खड़ी हूँ गेट नंबर 2 के पास और अब मैं आपको लेकर चलूंगी सरोजनी मार्केट के अंदर।
मैं आई हूँ अभी शॉप नंबर 17 पे एंड 17 का मतलब खतरा, और तो यहाँ पे बहुत खतरनाक आपको पीसेस मिलेंगे। काफी अच्छा कलेक्शन है मेरा, लाइक फेवरेट शॉप है ये, तो मैं डायरेक्टली इन भैया के पास आई हूँ। तो एक तो मेरे को ये टॉप अच्छा लगा है, इसका फ्रंट अच्छा है, इसका बैग भी अच्छा है। तो इफ यू वांट टू पेयर इट फॉर अ पार्टी वेयर तो आप ये कर सकते हैं, एंड आल्सो फॉर अ कैजुअल डे, सो इट विल गो। I'm so confused. Top ki top. So confused. तो मैंने तो कर ली है शॉपिंग, एंड मैं इनमें दिखाऊंगी कि मैंने क्या यहाँ से शॉप करा है, बट अभी आगे काफी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, तो आगे चलते हैं। पहले भी बताया था यहाँ पे 50, 80, 100 के ना बहुत सारे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, तो मुझे एक स्टॉल मिला, तो देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। मेरे को ना वैसे तलाश है कुछ एक फॉर्मल की, तो यार ये वाला कलर मेरे पास नहीं है, ग्रीन, एंड आई गेस फॉर्मल के हिसाब से ये ठीक है, कभी कभी मीटिंग के लिए, कभी कभी ऑफिस जाने के लिए, तो इसको मैं ब्लैक जीन्स के साथ पेयर कर सकती हूँ। एंड इसका मटेरियल भी सॉफ्ट है यार, और 80 रुपये में मिल रहा है गाइस, तो 80 रुपये में क्या मिलता है आजकल, तो रिचार्ज भी नहीं होता फोन में, तो मैं तो ये ले रही हूँ। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या हो गया यार, सरोजिनी मार्केट में बिल्कुल ही सब बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है, बट यहाँ पर ना कमेटी लगती है, एंड जब कमेटी लगती है ना तो ये लोग थोड़ा वाइंड अप कर देते हैं, अपने स्टॉल्स अंदर कर लेते हैं, और मैं अभी भले दोपहरी में अभी घूम रही हूँ सरोजिनी मार्केट में। सो फ्यू टिप्स इफ यू आर प्लानिंग टू कम सरोजिनी मार्केट, फर्स्ट कैरी अ वाटर बॉटल गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, ऑल्दो आपको वाटर बॉटल मिल जाएगी, बट इट्स गुड टू कैरी वाटर बॉटल। सेकेंड, आपको एक अपना बड़ा सा बैग कैरी करो, जिसमें जो भी शॉपिंग कर रहे हो आराम से उसमें डालते रहो एंड फ्री हो जाओ। थर्ड द प्रो टिप, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी MRP पे आपको जो भी कोट कर रहे हैं भैया उस पर आपको बार्गेन करना है, कोई भी किसी भी प्राइस पे आपको स्टिक नहीं रहना है कि अच्छा 300 बोला तो आपने ले लिया, नहीं गाइस, यू हैव टू बार्गेन। तो मैंने ये चश्मा लिया था 350 का, भैया ने मुझे कोट करा था, और मैंने इसे भैया को दिया 150। तो ये आपकी ना यहाँ पर एक टेस्ट भी हो जाएगा कि आप कितने अच्छे हो बार्गेनिंग में। तो मैंने तो कर लिया यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग, ठीक है, एंड अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि है करोल बाग का मार्केट। सो राइट नाउ आई एम एट गफार मार्केट लोकेटेड इन करोल बाग, एंड दिस मार्केट इज नोन फॉर मोबाइल कवर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर्स। तो अब मैं यहाँ पर आगे चलकर देखूंगी कि इस मार्केट में क्या क्या है। तो मैं अभी हूँ MCD वाले लेन पे, एंड ये गफार मार्केट पे ही है, एंड यहाँ पे ना काफी यूनिक आपको ना फोन कवर्स मिल जाएंगे। जो मेरे को सबसे यूनिक लगा वो है It's like a game, आप गेम खेल सकते हैं, एंड ये काफी डिफरेंट है यार, एंड इट्स वेरी कूल टू प्ले। एंड यहाँ पे सिर्फ iPhone आ गए, अभी iPhone का आपको कवर दिखाया है, एंड्रॉइड के भी काफी सारे आपको कवर्स और काफी सारी वैरायटी, वेदर यू वांट लेदर या प्रिंट या जिस टाइप का भी सिलिकॉन, तो सब यहाँ अवेलेबल है, एंड ये कुछ अराउंड 450 to 350 के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। एंड प्रो टिप हमेशा याद रखना, बार्गेन आपको करनी है। प्रो टिप्स फॉर दिस मार्केट एंड नॉट फॉर दिस मार्केट, आप कोई भी मार्केट में जाते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है ना, तो मेक श्योर कि आप अपने गैजेट्स, अपना फोन सेफली रख रहे हो, एंड बी अवेयर ऑफ यू नो पिकपॉकेट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत चोरियाँ होती हैं, तो मेक श्योर कि आप इतना ज़्यादा कैश नहीं ले रहे हो, कार्ड यूज कर सकते हो, Paytm एंड UPI सब जगह है। एंड सेकेंड, इफ यू आर यू नो प्लानिंग कि अगर आपको कोई यहाँ से कोई फोन लेना है लाइक सेकेंड हैंड, या कोई भी अगर आपको नया फोन भी लेना है, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर पर चेक करके जा रहे हो उसके बिल्स, वो प्रोडक्ट यानी कि जैसे फोन अगर आपने लिया तो वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा, स्क्रीन एवरीथिंग, क्योंकि वंस यू आर आउट ऑफ दिस मार्केट आई गेस देयर इज नो गारंटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो मेक श्योर कि आप वो चीज करो।
करोलबाग के मोबाइल मार्केट से निकलते हुए मैं आ गई डिफरेंट मार्केट में विच इज नोन फॉर इट्स वेडिंग आउटफिट्स. सो लेट्स हेड इन दिस मार्केट. सो नॉट जस्ट आउटफिट्स, यहाँ पर ना काफी आपको एक्सेसरीज भी मिल जाएगी. एंड ऐसी मेरे को एक शॉप मिली है जो शेड्स के आगे है. एंड इस शॉप में ना बहुत यूनिक हैंडबैग्स है. तो पहला यूनिक हैंडबैग तो ये था, इट्स मेड अप ऑफ वुडन एंड इस मार्बल का भी इसमें आगे से काम हुआ हुआ है. एंड अगर आप यू नो वेडिंग में जा रहे हो, जैसे मैंने बोला वेडिंग के यहाँ पे काफ़ी आउटफिट्स मिल सकते हैं, तो यहाँ अगर आप वेडिंग पे जा रहे हो तो आप इसको पेयर कर सकते हो विद योर लहंगा. एंड अगर कुछ और कुछ चाहिए कि हाँ मेरे को हैवी में हैंडबैग चाहिए, तो एक हैंडबैग मैंने देखा है, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ. एक बार आपको दिखाओगे वो वाला बैग सी. एंड ये उन्होंने बताया कि ये ब्रास में है. दिस इज वेरी रॉयल. अगर इमेजिन करो कि आपने लहंगा पहना हुआ है, कैरी कर रहा हो, तो लुक गुड. एंड ये पीस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा. इसका प्राइस क्या होगा? ये 2500 का. और कुछ बार्गेन हो? एंड काफ़ी स्पेशियस भी है. तो जो मैंने आपको पहला दिखाया था बैग ब्रास वाला, उसका ये दूसरा डिज़ाइन है. एंड भैया ने मुझे बताया कि आप ना इसको ऐसे स्लिंग बैग भी बना सकते हो. तो जस्ट इन केस अगर आपका है ना कि या कैरी करते हुए आपको हैवी लग रहा है या आपका मन नहीं है, तो आप इसमें चेन लगाकर इसको ऐसे अपना स्लिंग बैग भी बना सकते हो. एंड ये नॉट जस्ट वेडिंग आउटफिट, ये ऐसे नॉर्मल अगर बोहो स्टाइल पे भी आप करना चाहते हो, कोई बोहो ड्रेस पहनी हुई है तो उसके साथ भी जाएगा. एंड आई एम टोटली इन लव विद दिस पीस. जौरी मार्केट में ना वेडिंग की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. अगर आप ब्राइड हो तो आपको ब्राइडल लहंगा मिल जाएगा, अगर ब्राइड मेड हो तो भी आपको सारे ओकेशन की ड्रेसेस मिल जाएंगे. इसके अलावा अगर आपको डेली वेयर भी देखना है तो यहाँ पर आराम से मिल जाएगा. अगर आपको नाइटी देखनी है या कुछ भी ऐसा सामान जो आपके डेली वेयर में यूज़ होता है, तो वो आपको आराम से मिल जाएगा. एयरिंग्स की शॉप्स हैं यहाँ पे. एंड घबराना मत, अगर आपको भूख भी लग रही है तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं खाने पीने के. छोले भटूरे आपको मिल जाएंगे, समोसे मिल जाएंगे. So today's final location is Kamla Market. So this place reminds me of my college days, and बहुत लोगों को उनके first dates भी याद आ रही होगी. North campus के जो पास है ये, a perfect place to have a chill pill, to shop and have a great street food. बेस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रीट शॉपिंग ये है कि आपको यहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे. और जब जब आपको लगेगा ना कि यार आप थक गए हो, आपको ना फिर से रिफ्रेश होना है, तो आप ऐसे कोई स्टॉल से ले लो. तो मैंने लिया है काला खट्टा. मैंने बहुत थक गई थी बट अब मैं बिल्कुल पावरफुल हो गई हूँ एक चुस्की के साथ. कमला मार्केट की बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पर ब्रांडेड आउटफिट्स तो मिलेंगे और उनके सामने ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे और जिसमें काफ़ी ट्रेंडी आउटफिट्स मिल सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा ना मेहनत करनी पड़ेगी. तो मैंने काफ़ी देर से मेहनत की और मेरे को एक पैटर्न ना पूरे मार्केट में, हर जगह की मार्केट में सेम लगा था, दिस वॉज इट. बट ये वाला थोड़ा डिफरेंट है. इसमें अगर आप स्लीव्स में देखोगे तो ये वाला डिज़ाइन है. तो या एंड भैया ने मुझे बताया ये सुबह सुबह उनके पास आया. सो दिस इज लेटेस्ट. तो अगर आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पसंद है मेरी तरह, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे यूनिक पैटर्न्स आपको कुछ मिल जाएंगे. एक तो मुझे ये वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड इसको मैं थोड़ा बोहो स्टाइल भी कर सकती हूँ, वॉन्ट टू वेयर विद यू नो कुर्तीज एंड विद टॉप्स. और इसके अलावा मुझे यूनिक लगा ये वाला पीस. एंड सबसे बेस्ट पार्ट है ये ना, मतलब अगर आपको कोई भी रिस्क का साइज है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज़ फ्लेक्सीबल. तो आपको जस्ट ऐसे पुट करना है एंड हियर इट इज़. तो मैंने ना जहाँ से कड़े लिए थे तो उसके बगल में मैंने ये पटरी देखी एंड भैया ने मुझे बताया कि ये कस्टमाइज ज्वेलरी बनाते हैं. तो इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन आप बनवा सकते हो. अगर आपको इयर रिंग्स बनाना है, नेकलेस बनाना है, हैंड का अगर आपको कुछ बनाना है, तो भैया ने मुझे एक बनाकर दिखाया कि देखो आपको अच्छा लगेगा. तो हियर इट इज़. एंड मेरे को थोड़ा हाथ में, मैंने सोचा यार हाथ में नहीं पहनती क्योंकि हाथ में मैं वॉच पहनती हूँ, तो मैंने ये
पैरों में बनवा लिया है एंड मैं इसका प्राइस बताने से पहले अपने आप को शाबाशी देना चाहती हूँ कि यार मैं दिल्ली की हूँ नहीं बट मेरी बार्गेनिंग स्किल्स ना बहुत अच्छी हो गई है। तो भैया ने ये 150 का बोला था और मैंने बार्गेन कर इसको 120 में ले लिया। सो दीज वेर द 5 गो टू मार्केट फॉर मी। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपका गो टू मार्केट क्या है एंड थ्रू आउट द वीडियो यार मैंने बहुत सारी टिप्स दी है बट एंड की क्विक टिप्स इज केयर। सबसे पहले अगर आप प्लान करें कोई भी मार्केट घूमने का तो ट्राई कर लो कि यार इवनिंग में आओ या तो फिर मॉर्निंग में आओ कि 10-11 बजे फटाफट शॉपिंग करके जो बीच वाला बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम है ना वो आप स्किप कर दो। सेकेंड ट्राई करो कि यार अपने व्हीकल से आप ना आओ क्योंकि यहाँ पर पार्किंग का ना हर मार्केट में यार बहुत इशू है एंड आपको 1.5-2 घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बेस्ट है कि मेट्रो से आए ई रिक्शा लिया और मार्केट में घूमने लग गए। थर्ड प्रो टिप विल बी कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड फोर्थ विल बी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार अगर आप प्लान कर रहे हो कि मेरे को आज शॉपिंग करना है बहुत सारा शॉपिंग करना है तो यार वीकेंड्स तो भाई भूल ही जाओ क्योंकि वीकेंड्स में ना इतना बिजी रहता है ये मार्केट बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो अगर आप लाइक वीक वाले डेज पे आओगे ना तो हैसल फ्री हो जाएगा थोड़ा। एंड मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करने के लिए। तब तक आपको ड्रिल तो पता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।